योगी सरकार के डिप्टी सीएम और आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री केशव प्रसाद मौर्य 4 मई से 5 मई तक के 2 दिवसीय दौरे पर आजमगढ़ आ रहे हैं। प्रोटोकॉल आते ही जिला व पुलिस प्रशासन के आला अफसर तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने पुलिस लाइन कैंपस पहुंचकर हेलीपैड स्थल का निरीक्षण किया, जहां उप मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी सुभाष चंद गंगवार, एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह और एसपी ट्रैफिक तारिक मोहम्मद सहित पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने एबीसी चैनल को बताया कि उप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की सुरक्षा संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यक्रम मतलब इस जनपद में आया है तो उसी की तैयारियों के संबंध में ये मीटिंग आयोजित की गई थी और इसमें हम लोगों ने सभी को ब्रीफिंग किया है, कैसे ड्यूटी करनी है, कहाँ ड्यूटी करनी है और अचूक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। भारी संख्या में सुरक्षा बंदोबस्त लगाए गए हैं। पुलिस कप्तान का यह भी कहना है कि डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को लेकर कुछ रास्तों पर रूट डायवर्जन भी किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगा दी गई है। बाय रोड भी जाएंगे और उसके लिए हम लोगों ने पूरे रूट पर भी प्लानिंग कर रखी है। डायवर्जन भी किया गया है और रूट पर ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने मीडिया को बताया कि प्रभारी मंत्री जी 2 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। अतरौलिया में एक सभा होगी, मुख्यालय पर जिला योजना की बैठक और उसके बाद तरवा के जामुंडी गांव में रात्रि विश्राम और चौपाल। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी पहले अतरौलिया में आएंगे, वहां पर एक उनकी शिक्षकों को संबोधित करने के लिए एक छोटी सी सभा है, उसमें वो शिक्षक हैं जो एक एनजीओ द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कराने के लिए। उसके बाद जिला योजना समिति की बैठक में प्रतिभाग करेंगे। जिला योजना समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करेंगे, फिर ग्राम जामुंडी ही जाएंगे। ग्राम जामुंडी में भारत सरकार की 7 योजनाओं तथा उत्तर प्रदेश सरकार की 9 योजनाओं यानी कुल 16 योजनाओं की गांव में प्रगति समीक्षा करेंगे। गांव के लोगों के बीच रुकेंगे, चौपाल लगाएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनके निराकरण के लिए कार्रवाई करेंगे। ये कार्यक्रम रात्रि विश्राम का भी कार्यक्रम है। हाँ, रात्रि विश्राम भी उसी गांव में करेंगे और सुबह स्वच्छता अभियान चलाने के बाद वहाँ से प्रस्थान होगा। किसी के भोजन का प्रोग्राम है? भोजन वो गांव में ही करेंगे क्योंकि रात्रि में रुकेंगे गांव में, तो रात्रि में गांव में ही रुकेंगे। अभी और भोजन की व्यवस्था पर उनके आने के परामर्श के बाद होगी। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली विभाग उपभोक्ताओं को रुलाने पर आमादा है। जी हां, मेंटेनेंस के नाम पर एक बार फिर 4 दिन विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत उपकेंद्र हाफिजपुर पर स्थापित 160 एमवीए परिवर्तक द्वितीय के तेल के सेंट्रीफ्यूजिंग का कार्य कराए जाने के कारण 5 मई से 8 मई तक प्रातः 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से बाधित रहेगी। यह जानकारी अर्थशास्त्री अभियंता डीपी गुप्ता ने दी। उन्होंने जनता से अपील किया कि इस अवधि में अपना सहयोग बनाए रखें।
जनपद के पुलिस अधीक्षक रविशंकर छवि ने गुरुवार को जिले के सभी थानेदारों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। इस दौरान निर्देश दिया कि बेहतर तालमेल के साथ क्राइम कंट्रोल के लिए सभी चुस्त दुरुस्त रहे। पुलिस लाइन कैंपस में हुई अपराध समीक्षा बैठक में पुलिस प्रशासन के कई वरिष्ठ अफसर खुद मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने सभी मातहतों को निर्देश दिया कि थाने में आने वाले प्रत्येक फरियादी की बात सुनी जाए। महिलाओं छात्राओं के साथ कहीं कोई छोटी घटना भी हो तो त्वरित एक्शन लिया जाए। जिला सहकारी बैंक के बोर्ड डायरेक्टरों की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। गुरुवार को कुल 14 पदों के लिए पर्चा दाखिला शुरू हुआ। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का जमावड़ा बैंक परिसर में लगा रहा। हम आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक में बोर्ड के डायरेक्टर व सभापति उपसभापति के चुनाव में सत्ताधारी दल ही ज़्यादा एक्टिव होता है। किसी जमाने में यहाँ सपा बसपा का ही कब्जा रहता था। चूंकि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसे में सियासी बिसात ऐसी बिछाई जा रही है कि ज़्यादातर डायरेक्टर भाजपा के या भाजपा समर्थित ही होने हैं। बैंक के अफसरों ने बताया कि डायरेक्टर का चुनाव 10 मई को जबकि सभापति व उपसभापति का चुनाव 11 मई को होना है। डायरेक्टर पद पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जिला सहकारी बैंक के बोर्ड के लिए डायरेक्टर पद का आज नामांकन हुआ है। कुल यहाँ 14 पद हैं, 14 निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें एक जगह से जो है कोई पर्चा नहीं आया है और 13 जगह से कुल 22 नामांकन फार्म आज जमा किए गए हैं। इसकी निर्वाचन डायरेक्टर का चयन जो है 10 मई को कंप्लीट होगा और उसके बाद 11 तारीख को बैंक के सभापति और उपसभापति का चुनाव होगा। गुरुवार को सिवली नेशनल इंटर कॉलेज के सभागार में जिला विद्यालय निरीक्षक विनोद कुमार शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में सम्मिलित हुए जिले के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को उन्होंने शासन की मंशा और विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नवीन सत्र में अभियान चलाकर विद्यालय में नामांकन बढ़ाने, बैनर पोस्टर रैली के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए। शिक्षकों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए छात्र छात्राओं को क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करने पर भी उन्होंने जोर दिया। वो शिक्षा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है और जो विभागीय निर्देश हैं नामांकन के बारे में या फिर क्वालिटी एजुकेशन के बारे में या कुछ योजनाओं के बारे में, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति के बारे में, तो जो मुख्य मुख्य बातें थी उस पर चर्चा करने के लिए और आवश्यक निर्देश देने के लिए ये बैठक प्रधानाचार्यगण की आयोजित की गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अलीगढ़ के इस मामले को लेकर आजमगढ़ में भी हिंदूवादी संगठन और शिवली कॉलेज का छात्र संघ आमने सामने है। गुरुवार को हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व जिला संयोजक हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहा पर एमयू के वाइस चांसलर का पुतला फूंका गया। इस दौरान हरिवंश मिश्रा ने कहा कि एमयू में देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना की तस्वीर का होना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।
उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्ना की पैरवी कर रहे हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजना चाहिए। उसका ये लोग पूजा कर रहे हैं और इस पे जो हमारे वहाँ पे संगठन के लोग विरोध किए हैं उस पे लाठीचार्ज हुआ है। इसी को लेकर के हम लोगों ने आज वाइस चांसलर का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया है। अगर इस पे सरकार तत्काल वहाँ के वाइस चांसलर को बर्खास्त नहीं करती है तो ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। आपके पार्टी के कुछ नेता उसे माफ़? देखिए, अगर जो उसके पक्ष में बयान दे रहे हैं सब देशद्रोही हैं, सबको यहाँ पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल में डालना चाहिए। वही सिविल नेशनल कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष कमर कमाल के नेतृत्व में छात्रों ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा और मांग किया कि 2 मई को एमयू में पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के कार्यक्रम में खलल डालने के लिए आरएसएस कार्यकर्ताओं ने हिंसा फैलाई जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में एमयू के करीब 30 छात्र घायल हो गए। छात्र नेताओं ने दोषियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग किया। छात्र नेताओं का कहना है कि वह इस मुद्दे पर 4 मई को शिवली कॉलेज गेट के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। फैसले के साथ गाड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर जब भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय श्री मोहम्मद हामिद अंसारी साहब आने वाले थे, उस वक्त कुछ अराजक तत्वों ने मिलकर उनके काफिले पर हमले की कोशिश की और जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वहां पर रोकने की कोशिश की तो वहां पर आरएसएस के कुछ लोग और पुलिस की मिलीजुली भगत से लाठीचार्ज हुई और जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल हैं और 25 और छात्र घायल हैं। हम लोग उस सिलसिले में आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं और कल हम सभी लोग शिवली नेशनल पीजी कॉलेज आजमगढ़ के मुख्य द्वार पर एक भारी विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश है। हम लोग यही चाहते हैं कि चाहे कोई भी हो, जो भी अराजक तत्व हो, जो भी लोग मुजरिम हैं उनको सजा हो और छात्रों के साथ इंसाफ। आजमगढ़ में नए विश्वविद्यालय स्थापना की मांग कब पूरी होगी यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन आंदोलन की मशाल लेकर चलने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को डीएवी पीजी कॉलेज के सामने छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने वी वांट यूनिवर्सिटी का नारा लगाया। सभी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और कहा कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना बेहद जरूरी है, जनपदवासियों की यह मांग हर हाल में पूरी होनी चाहिए। साकेत पब्लिक स्कूल गढ़वा बनकट आजमगढ़ एफिलिएटेड टू सीबीएसई। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन क्लास नर्सरी टू क्लास 9। एडमिशन थ्रू एंट्रेंस एग्जाम। We provide transport facilities from Azamgarh City, laboratory, smart classes, computer lab, activities room, library and playing field. Special classes for NTSC, Olympiad, music and karate classes, workshops and seminars, sports and games, personality development classes. Aims of the school to foster caring, stable environment. Provide an environment to students to learn in an organized and planned manner, to develop awareness of moral, social and religious values. Our team, we select creative and skilled teachers who impart qualitative learning. Saket Public School, Garhwa Bankat, Azamgarh. Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360 degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students.
special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8, Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Asimgarh. आराध्या ज्वेलर्स अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप कटरा सराय आजमगढ़। शादी के गहने, पार्टी के गहने, डायमंड के गहने तो सोने चांदी के गहने, सब कुछ एक ही दुकान पर। आराध्या ज्वेलर्स अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप कटरा सराय आजमगढ़। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, अरबी डिजाइन के डायमंड सेट, चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी। राजकोट, बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स कटरा सराय आजमगढ़। 94-15-83-15-29। Sunbeam School Azamgarh, which aims for quest for excellence. Registration open. Admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट। महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें 2BHK और 3BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन। अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब, एयर कंडीशन जिम, 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा, सभी फ्लोर पर सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंक्वेट हॉल, बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा, आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध। करिए अपना सपना साकार, शहर में बताइए अपना आशियाना। फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काली चौरा तिराहा, रैदोपुर, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ECG, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टेस्ट, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, PFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल
ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर सिविल लाइन आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।